चल क्या रहा है तुम्हारे माइंड में? बताओ ना बेबी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? कम ऑन बेबी, अब अपनी करिश्मा से भी छुपाओगे? बेबी है ना वाला, कल तक तो मैं जीरो था, लूजर था, फिर आज अचानक से ये हीरो ट्रीटमेंट कैसे? कम ऑन बेबी, तुम अब भी नाराज हो? अरे वो सब तो मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बोलती थी। अच्छा, बिकॉज आई लव यू ना। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा था तो मुझे बोल देते। खैर, जो हो गया सो हो गया। सो तो है। सो आज से हमारे बीच में नो सीक्रेट्स। डील? डील। तो चलो बताओ, तुम सबको क्या बताने वाले थे? हमारे बीच में डील हुई है, तोड़ नहीं सकते मिस्टर रवि। कोई फायदा नहीं है मेरी जान। अभी मेरी बात तो सुनो। कोई फायदा नहीं है स्वीटू, आज मुझे मासा के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सुपरमैन का नाम तो सुना ही होगा तुमने। पर पहुंचना क्यों है, बताओ तो सही। बताओ ना, आज सबके सामने क्या बवाल करने वाले हो अभी? मेरी स्वीटू से आधे घंटे का इंतजार नहीं हो रहा? हाँ लुक बेबी, मुझे पता है कि उस दिन जो कुछ भी मैंने किया तुम उस बात से नाराज हो। तुम्हारे हिसाब से मुझे उस फसुदा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, गलत बात है। अभी तुम बहुत ही इनोसेंट और मासूम हो, और ड्राइवर की बेटी बहुत चलाक है। मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी? हाँ। हाँ तो फिर तो मुझे मासा के पास जरूर जाना चाहिए। आई मीन, चंद्रिका सिंह चौहान से बेहतर अपने इस इनोसेंट मासूम बेटे को कौन प्रोटेक्ट कर पाएगा? अभी बेबी मेरी बात सुनो प्लीज। मिस्टर अस्थाना, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप वर्कर्स पर लोड बढ़ाने की बजाय वर्कर्स भी तो बढ़ा सकते हैं। सुनो अभी, मुझे पता है कि 10:30 बजे तुम चंद्रिका आंटी से मेरी शिकायत करने वाले हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम चाहे कुछ भी कर लो, चंद्रिका आंटी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वहां से तुम्हारी कोई शिकायत करने वाला हूँ? तुमने कुछ किया है क्या?